कल असी एक वीडियो की हड़ां के उपर कि हड़ां के की कारण ने, क्यों पंजाब दे विच या कहीए इंडिया दे विच हड़ हुण हर साल आया करनगे, इस दे पिछे की कारण ने। उस वीडियो तो बाद सानू कई तरह के इंस्टाग्राम ते फेसबुक या यूट्यूब के उपर कमेंट मिले, जिन्हां दे विच कई चीज़ां पुछियां गईआं सी हड़ां दे बारे। अज उन्हां कमेंटां दे बारे ही तुहाडे नाल गल्लां करांगे। उस दे विच पहला सवाल यह किया गया सी कि जेकर मैदानी एरिया दे विच हड़ आउण दा सब तो वड्डा कारण दरख्तां दी कटाई है जां कहीए खुले मैदानां दी कमी है, तां फिर पहाड़ी खेतरां दे विच हड़ इन्ने ज़्यादा क्यों आउंदे ने? उत्थे तां दरख्त भी बहुत ज़्यादा ने ते मैदान भी काफ़ी ज़्यादा खुले ने। पहला भी पहाड़ी खेतर के हड़ आते हैं, पहला पहाड़ी जिहड़ियां वस्तियां होंदियां सी जां शहर होंदे सी उह नदी तो थोड़ा हट के, जाने के उपर वाली साइड या थोड़ा हट के बनाए जाते सी। चाहे उस टाइम लोगों को पहाड़ तो थले उतर के नदी तक जाना पैंदा सी पानी लैण दे लई, पर फिर भी वह लोग इन्नी मशक्कत करते सन सिर्फ ये चीज़ के मारे, क्योंकि जदों हड़ आउणगे तो असीं सेफ रहांगे। तो हुण आपां तकरीबन देखते हाँ कि पहाड़ों के किन्नी ज़्यादा उसारी है जिहड़ी नदी किनारे हुई पई है। पहला जदों पहाड़ों के हड़ आउंदे सी नदियां ओवरफ्लो भी हो जाते सी, तां उस चीज़ का किसी को नुकसान नहीं हुंदा सी, क्योंकि जिहड़ी आबादी होंदी सी उह दूर पहाड़ के उपर होंदी सी। पर हुण आपां देखते हैं कि ज़्यादातर आबादी तो नदियों के किनारे बसी पई है पहाड़ी एरिया दे विच, ते फिर हुण जदों नदियां ओवरफ्लो होंदियां ने ते नदी किनारे जिहड़ी उसारी कीती हुंदी है ढह ढेरी हो जाती है। ते दूजा हड़ा आउण दा पहाड़ी एरिया दे विच एड्डा वड्डा कारण यह है कि हुण थां थां ते डैम बना दिते गए, ते हुण थां थां ते डैम बण दे नाल थां थां ते पानी दी स्टोरेज होण दे नाल पानी दे बहाव दे उपर काफ़ी ज़्यादा असर पिया है, वह भी एक बहुत वड्डा कारण है हड़ आउण दा। ते दूजा तुहाडा सवाल यह सी कि जेकर इन्ने ज़्यादा हड़ आ रहे ने तां पंजाब दे सूए ते नाले खाली क्यों चल रहे ने, इन्हां दे विच कातों नहीं ओवरफ्लो का पानी छड्डिया जाता? तो इतने मैं तुम्हें दस दिना कि कदे भी हड़ां के पानी को नहर या कई सूएं के नहीं छड्डिया जाता, क्योंकि जिहड़े हड़ का पानी होंदा है उस दे विच बहुत ज़्यादा मलबा होंदा है। किन्ने मिनी हाइड्रोलिक पावर प्लांट बने ने, पहला तो मलबा इन्हां सारे तोड़ देगा जिन्ने नहरां के उपर लगे हुए ने, ते दूजा यह मलबा जेकर एक जगह से इकट्ठा हो गया किसी जगह के उपर नहर के विचकार या किसी होर थां के उत्ते, तां इत्थों पानी ओवरफ्लो होकर साइडां दे पिंडां दे विच वड़ जाएगा, तो गवर्नमेंट ते प्रशासन के लिए एक होर परेशानी खड़ी हो जाएगी। एक साइड ते तां हड़ आए हुए ने, दूजे पासे नहरां टुटण दे नाल थां थां ते पाड़ पैण लग जाणगे। कई देशों ने गलती की है हड़ां दे पानी नूं नहरां दे विच छड्डण दी, ते उह देशां नूं इसदा जुर्माना कई कई सालों तक भुगतना पिया है। इस तो थोड़े जिहा अगे आ के जेकर आपां सोचदे हां कि पिंडां ते शहरां दे विच अगे छप्पड़ बणे हुंदे सी, उह सारा वाधू पानी इहनां छप्पड़ां दे विच चलिया जांदा सी, ते हुण आपां देखदे हां कि पिछले कई सालों दे विच इहनां छप्पड़ां नूं भर के थां थां ते ग्राउंड बना दित्ते गए, ते पिंड दा फिर वाधू पानी कित्थे जाएगा? उह हड़ां दा रूप ही लवेगा जदों मीह पवेगा इकट्ठा होकर। अगे नहरां कच्चियां सी, सूए कच्चे सी, उह पानी जदों नहरां दे विच नहीं लंघदा सी तां धरती भी उह पानी नूं सोख लैंदी सी, पर हुण उह सारा कुछ ही पक्का हो गया, सो धरती इत्थे भी पानी नूं सोखणों हट गई। पहलां दे समयां च जमीनां उबड़ खाबड़ हुंदियां सी, टोए टब्बे हुंदे सी, जदों हड़ आउंदे सी तां इन्ना ज़्यादा प्रैशर नहीं हुंदा सी पानी दा, क्योंकि थां थां ते पानी नूं रोकणा पैंदा सी। ते हुण बिल्कुल ग्राउंड एरिए हो चुके ने, ते पानी जदों भी थोड़ा जिहा मगरों पानी दा फ्लो वधदा है तां दूर तक चलिया जांदा है। हुण इस तों बचाव दे तरीके तां इह आ कि वध तों वध पिंडां दे विच छप्पड़ खोदे जाण फिर तों। जेकर तुहाडे पिंड या शहर दे विच कोई ग्राउंड पिया है तां उस नूं इस तरहां दे नाल डिजाइन कीता जावे कि जेकर तुहाडे पिंड या शहर दे विच फ्लड आउंदे ने, हड़ आउंदे ने, उहनां दा पानी उस ग्राउंड दे विच चलिया जावे, ते उस ग्राउंड दे विच वध तों वध दरख्त लगाए जाण तां कि उह ग्राउंड दे विच तुहाडा पानी सोखिया जा सके। एक तां तुहाडे पानी नूं सोखणगे पानी जमीन दे अंदर जाएगा, हो सके तो उस जगह से खूहियां नूं भी पट्टिया जाए, तो जदों उत्थे इन्ने ज़्यादा दरख्त होणगे एक तां उत्थे जीव जंतु जां कहीए पंछी भी आउणगे, चिड़ियां वगैरह जां होर कई तरह के जीव, जिवें कि हुण आपां नॉर्मली कह दिंदे आ कि चिड़ियां टावरां आउण करके इत्थों गैब हो गईआं, टावरां ने चिड़ियां नूं मार दित्ता, अजिहा कुछ भी नहीं है। पहलां चिड़ियां घरां दे विच कच्चे मकानां दे विच अपने आलणे पा के रहिंदियां सन, जदों कच्चे मकान ही रहे तां चिड़ियां ने इत्थे की रहिणा है, ते रहिंदे खुंहदी कसर असीं दरख्तां नूं वढ के कढ दित्ती है, जदों कोई दरख्त ही नहीं रहा तां चिड़ियां कित्थे आउणगीआं? जेकर तुहाडे पिंड दे विच अजिहे काफ़ी सारे दरख्त जां कहीए इक छोटा जिहा बाग लग जाएगा तां उत्थे तरह तरह के जीव जंतु आउणगे। हर एक कुदरती आफत है, इन्हां तों बचण दे लई तुसीं अपने बिहाव ते भी कुछ तैयारी करके रखो कि साडे मकान किहो जिहे होणे चाहीदे, साडी पानी दी निकासी किहो जिही होणी चाहीदी। जेकर पिंड दे विच पानी आ जांदा है जां बाहरों पानी आ जांदा है तां साडा घर इस तरह दे नाल होणा चाहीदा कि थोड़े बहुते समें लई तां उह पानी तों बचा कर सके। इस जी थोड़ी बहुती जानकारी मैनूं लग्गा कल दी वीडियो तों बाद तुहाडे नाल शेयर करनी चाहीदी है। सो तुहानूं साडी वीडियो किद्दां लगी कमेंट करके जरूर दसणा, ते साडे यूट्यूब दे चैनल जोटी वी नूं सबसक्राइब करना। धन्नवाद।